हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आपका चैनल पर फ्रेंड आज मैं एक से दो साल की बेबी के लिए ये पैंट लेकर आई हूँ फ्रेंड इस पेंट को आप सिर्फ तीन घंटे में आप बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं देखने में बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड इस पेंट को बनाना बहुत ही आसान है तो मैंने आठ कॉर्नर वाली टिक्की से बनाया है फ्रेंड मैंने आपके साथ पाँच कॉर्नर वाली टिक्की से जैकेट का वीडियो शेयर किया था अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं फिर मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ फ्रेंड जो कमर है वो मैं ये फ्रेंड नौ इंच है तो बेब जिसके नाप का बनाया फ्रेंड्स वो थोड़ा हेल्दी है तो मैंने ये नौ इंच रखी है आप इसका आठ इंच रख सकते हैं ये देखिए फ्रेंड जो कमर से नीचे का पार्ट है ये आठ इंच है और जो टोटल लेंथ है इसकी वो मैंने रखी है साढ़े पंद्रह इंच है तो फ्रेंड इसकी कमर ये आसन कमर से नीचे का भाग और लेंथ ये अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो फ्रेंड वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है तो फ्रेंड अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं बेबी पेंट को बनाने के लिए फ्रेंड मैंने ये दो कलर लिए हैं कलर आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम का मैंने हुक लिया है सबसे पहले फ्रेंड हम ये जो आठ कॉर्नर वाली ग्रैनी टिक्की को हम बनाएंगे तो सबसे पहले फ्रेंड हम मैजिक रिंग बनाएंगे तीन चेन लगाएंगे वहीं पे करेंगे हम डबल क्रोशिया एक बार और कर लेंगे डबल क्रोशिया चेन को डबल क्रोशिया में ले लिया तो ये हो गया हमारे तीन डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर दो चेन थोड़ा सा इसको खींचते जाएंगे तो फिर करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया टोटल हमने आठ बार करना है देखिए एक दो तीन तीन बार कर लिया दो चेन टोटल हमने ये आठ बार करना है तीन बार हो गया पांच बार और कर लेंगे ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आठ बार हमने तीन बार डबल क्रोशिया कर लिया अब दो चेन लगाएंगे अब इसको हम बंद कर देते हैं पहले ये देखिए इस फूल को खींच के हम इस मैजिक रिंग को बंद कर लिया जहाँ पे तीन चेन लगाई थी लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच नेक्स्ट चेन में करेंगे स्लिप स्टिच उससे नेक्स्ट चेन में करेंगे हम स्लिप स्टिच जहाँ पे दो चेन लगाई थी वहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच तीन चेन लगाएंगे फिर वहीं पे करेंगे हम दो डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर वहीं पे करेंगे हम तीन डबल क्रोशिया फिर एक चेन ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे जहां पे दो चेन लगाई है वहां पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे जहाँ पे दो चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम पहले तीन बार डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर वहीं पे एक बार और कर लेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन लगाएंगे ये देखिए फिर इस तरह से जहाँ पे हमने दो दो चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन लगाएंगे फिर नेक्स्ट जहाँ पे हमने जहाँ पे हमने ये दो चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया इस, इस तरह से फ्रेंड ये सारा करते हम यहाँ पे आएंगे तो ये भी हमारे आठ शेल बनेंगे एक दो तीन तीन शेल बन गए पाँच शेल और बना के फिर हम यहाँ तक आएंगे तो फिर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया यहाँ पे हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ शेल बने हैं लास्ट में एक चेन लगाएंगे जहां पे तीन चेन लगाइए लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच नेक्स्ट चेन में करेंगे स्लिप स्टिच उससे नेक्स्ट चेन में करेंगे हम स्लिप स्टिच लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम वूल चेंज करेंगे यहाँ पे दो चेन लगाइए वहां पे फिर कर देंगे स्लिप स्टिच तीन चेयर लगाएंगे वहीं पे करेंगे हम पहले दो बार डबल क्रोशिया चेन का डबल क्रोशिया में ले लिया तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे एक बार और कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन अब हम क्या करेंगे जहाँ पे एक चेन लगाइए वहाँ पे करेंगे अब हम, हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर ये हमारा शेल है जहां पे हमने दो चेन लगाई है वहां पे करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे, पे कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर वहीं पे कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन जहां पे एक चेन लगाइए वहां पे कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया ये हमारा है, जहां पे दो चेन लगाई है वहां पे करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया एक चेन लगाएंगे उसके बाद जहाँ पे हमने एक चेन लगाई है वहां पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन लगाएंगे फिर ये हमारा शैल है तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया जहाँ पे दो चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया इस तरह तो इस तरह से ये सारा करते हैं फ्रेंड हम यहाँ तक आएंगे तो फिर मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया लास्ट में पहुँच के एक चेन लगाएंगे यहाँ पे तीन चेन लगाई थी लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच नेक्स्ट चेन में करेंगे स्लिप स्टिच उससे नेक्स्ट चेन में फ्रेंड अब यहाँ पे हम वूल चेंज करेंगे यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया फिर जहाँ पे दो चेन लगाई है, वहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच तीन चेन लगाएंगे फिर वहीं पे करेंगे दो बार डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया तो ये होगा हमारे तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स एक चेन लगाएंगे पहले हमारे तीन बार डबल क्रोशिया एक बार आए थे अब हमारे आएंगे दो बार एक यहाँ पे एक यहाँ पे जहाँ पे हमने एक चेन लगाई है पहले वहाँ पे कर देंगे तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन लगाएंगे ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ देंगे जहाँ पे एक चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे अब हम तीन बार डबल क्रोशिया अब ये टिक्की हमारी बढ़नी शुरू हो गई है इसका घेरा बढ़ना शुरू हो गया पहले तीन बार डबल क्रोशिया एक बार आया था अब आगे एक दो दो बार आगे अब एक चेन लगाएंगे ये शैल है लग... जहाँ पे दो चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे अब हम तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे कर देंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर जहां पे एक चेन लगाइए यहां पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ देंगे जहां पे एक चेन लगाइए वहां पे करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया एक चेन ये तीन डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया जहां पे दो चेन लगाई है, वहां पे करेंगे पहले तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया इस तरह तो फिर इस तरह से ये सारा कर दिया फ्रेंड यहां पे आएंगे ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया लास्ट में पहुंच गया एक चेन लगाएंगे जहाँ पे तीन चेन लगाई है लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच नेक्स्ट चेन में करेंगे स्लिप स्टिच उससे नेक्स्ट चेन में हम करेंगे यहाँ पे हम वूल चेंज करेंगे फ्रेंड फ्रेंड हर एक राउंड के बाद हमने यहाँ पे वूल चेंज करनी है जहाँ पे दो चेन लगाइए वहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच तीन चेन लगाएंगे फिर वहीं पे करेंगे हम वहीं पे करेंगे दो बार डबल क्रोशिया चेन को डबल क्रोशिया में ले लिया तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया एक चेन फिर अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स पहले एक बार ये तीन बार डबल क्रोशिया एक बार आया था फिर दो बार अब एक दो तीन तीन बार आएगा तो इस तो यहाँ से फिर हमारे ये तीन बार डबल क्रोशिया वाली डब्बी हमारी बढ़ती जाएगी हर राउंड में और ये टिक्की का घेरा वो भी बढ़ता जाएगा तो ये यह देखिए यहाँ पे चेन लगाइए यहाँ पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन लगाएंगे फिर एक चेन यहाँ पे लगाइए यहाँ पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया फिर एक चेन लगाएंगे फिर यहां पे करेंगे हम जहां पे एक चेन लगाई है, वहां पे करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया ये देखिए पहले एक बार फिर दो अब एक दो तीन फिर एक चेन लगाएंगे फिर जहां पे दो चेन लगाई है, वहां पे करेंगे पहले तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बॉटल क्रोशिया इस तरह से तो इस तरह से ये सारा करते फ्रेंड यहाँ तक आएंगे तो फिर हर राउंड में हमारी एक एक डब्बी बढ़ती जाएगी जैसे एक फिर दो फिर एक दो तीन इस तरह से फ्रेंड पैंट बनेगी इस तरह से ये फोल्ड होकर इस तरह से आएगी तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा ये घेरा जैसे जैसे हमारा घेरा बढ़ता जाएगा जो पेंट की लेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी तो फ्रेंड जितनी लेंथ चाहिए यानी जितना घेरा हमें इस टिक्की का चाहिए तो उतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ की मैंने ये टिक्की बना ली है तो लास्ट में पहुँच गए हैं एक चेन लगाएंगे जहाँ पे तीन चेन लगाई थी लास्ट चेन में कर देंगे हम स्लिप स्टिच एक चेन लगाएंगे यहाँ से बुल को काट देंगे बंद कर देंगे फ्रेंड मेरी जो ये तीन डबल क्रोशिए जो मैंने ये तीन डबल क्रोशिए किए हैं इसकी जो मैंने डब्बी बनाई है वो है ये हमारा कॉर्नर है उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस उन्नीस डब्बी तक मैंने ये बनाया है तो उसके बाद फिर हमारा ये कॉर्नर आ गया एंड मैं जिस बच्चे की साइज़ का बना रही हूँ वो थोड़ा हेल्दी है तो मैंने दो राउंड मैंने इसके ज़्यादा किए हैं अगर आप दो राउंड कम कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बना सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब ये टिक्की को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ये कमर से नीचे वाला पार्ट हो गया और ये दोनों ये हमारी लेग्स होगी ये लेग्स होगी अब हम क्या करेंगे ये जो साइड वाला पार्ट है इसको अब हम सिलाई करेंगे पहले इसको हम उल्टा देते हैं ये हमारी सीधी साइड है इसको उल्टा देते हैं फ्रेंड ये हमारा अब उल्टी साइड पे आ गई है तो आप इसको सुई से सिल सकते हैं या इसको क्रोशिया से दोनों साइड को आप जोड़ सकते हैं तो फ्रेंड मैं सुई से इसको सिलूँगी ये हमारा लेग है तो ये कॉर्नर है तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया जहाँ पे हमने दो चेन लगाई है वहाँ से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स डबल क्रोशी को डबल क्रोशी के साथ सिलाई करेंगे ऊपर जो चेन है एक साइड की फ्रेंड मैंने सिलाई कर ली है इसी तरह से फ्रेंड हम दूसरी साइड की भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे तो फिर मैंने दोनों साइड से इसकी सिलाई कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ से ले कर यहाँ तक और फिर दूसरी साइड यहाँ से ले कर यहाँ तक मैंने दोनों साइड से मैंने इस पैंट की सिलाई कर ली है ये हमारी उल्टी साइड है अब इसको हम सीधा करेंगे तो फ्रेंड इस तरह से ये बेबी पैंट दिखाई देगी तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे ये हमारा हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था तो ये हमारे जो ये दो चेन लगाई थी यहाँ से शुरू करेंगे दो चेन लग तीन चेन लगाएंगे ये देखिए नेक्स्ट चेन में करेंगे हम डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे हम डबल क्रोशिया यानी हर चेन के ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशिया फिर ये चेन है यहाँ पे कर लेंगे एक बार डबल क्रोशिया फिर ये तीन बार डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे हम करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया यहाँ पे एक चेन लगाई थी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया था तो हर चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से इस तरह से हम ये सारा डबल क्रोशिया करते फ्रेंड हम यहाँ पे आएंगे हम लास्ट में पहुँच गए जहाँ पे तीन चेन लगाई थी लास्ट चेन में कर देंगे हम स्लिप स्टिच तीन चेन लगाएंगे अब फ्रेंड अब हम डबल क्रोशिया जो हमारे हैं उनको हम कम करेंगे जैसे ही यहाँ पर किया दो फंदों का एक किया अब दो फंदों का एक नहीं करेंगे फ्रेंड लूप लिया नेक्स्ट में हम ये हमारे पास हो गए चार फंदे फिर दो फंदों का एक करेंगे तीन फंदे बच गए दो फंदों का एक करेंगे फिर लूप लिया नेक्स्ट चेन में जाएंगे तीन फंदे पहले दो फंदों का एक करेंगे फिर लूप लिया फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे चार फंदे पहले दो फंदों का एक करेंगे फिर तीन फंदों का एक करेंगे देखिए दो फंदे लूप लिया नेक्स्ट चेन में फंदा लेंगे दो फंदों का एक किया फिर तीन फंदों का एक किया इस तरह से तो फ्रेंड इस तरह से ये सारा करते हुए फ्रेंड हम यहाँ तक आएंगे फ्रेंड लास्ट में पहुँच गया जहाँ पे तीन चेयर लगाई थी लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच तीन चेयर लगाएंगे फिर वैसे तो फ्रेंड ये राउंड भी पहले वाला राउंड जैसा होगा तो लूप लिया चेन में हमने फिर फंदा लिया तो ये तीन फंदे दो फंदों का एक किया लूप लिया नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे पहले दो फंदों का एक करेंगे फिर तीन फंदों का एक करेंगे लूप लिया पहले लूप लिया एक फंदा लिया दो फंदा का एक करेंगे लूप लिया नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे तीन फंदे दो फंदों का लूप लिया नेक्स्ट चेन में डालेंगे तीन फंदे दो फंदों का एक करेंगे फिर लूप लिया नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे दो फंदों का एक करेंगे फिर तीन फंदों का एक करेंगे इस तरह से फ्रेंड तो इस तरह से फ्रेंड ये सारा करते हुए ये सारा करते हुए फ्रेंड हम यहाँ तक आएंगे फिर तो तो हम लास्ट में पहुंच गए जहाँ जा, पे तीन चेन लगाई थी लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच मैं इतना स्पेस रख रही हूँ पैर डालने के लिए तो यहाँ से वो को काट देंगे बाकी हमारी बनकर तैयार हो गया ये देखिए फ्रेंड ये हमारा पूरा बॉर्डर हमने बना लिया इसी तरह से हम यहाँ पे भी बना लेंगे तो फिर मैंने दोनों लेग्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड अब हम तो ये हमारी कमर है तो यहाँ या, यहाँ पे अब हम लास्टिंग डालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था तीन बार डबल क्रोशिया दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया जहाँ पे दो चेन लगाइए तो फ्रेंड तीन चेन लगाएंगे हर चेन में हम करेंगे डबल क्रोशिया ये चेन है यहाँ पे भी करेंगे डबल क्रोशिया यहाँ पे एक चेन है यहां पे एक बार करेंगे डबल क्रोशिया इस तरह।, इस तरह से ये सारा डबल क्रोशिया करते हैं फ्रेंड्स यहां से ये सारा डबल क्रोशिया करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे आएंगे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया लास है लास्ट में गए हैं जहाँ पे तीन चेन लगाइए लास्ट चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच तीन चेन लगाएंगे फिर हर चेन के ऊपर फिर हर चेन के ऊपर हम फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे हर चेन के ऊपर फ्रेंड्स हम डबल क्रोशिया कर लेंगे तो इस तरह से हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करते हैं फ्रेंड्स हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करके हम यहाँ पे आएंगे और फ्रेंड इसके हम टोटल तीन राउंड कर लेंगे एक राउंड हमने कर लिया दूसरा चल रहा है एक राउंड हम इसका और करेंगे फ्रेंड मैंने तीन डबल क्रोशिया वाले राउंड कम्प्लीट कर लिए हैं और लास्टिक लिया मैंने फ्रेंड्स लास्टिक के दोनों एजेस को मैंने ये यह यहाँ पे सिल लिया है अब हम क्या करेंगे फैन लास्टिक को इस तरह से रखेंगे ये हमारी सीधी साइड है ये उल्टी साइड है इस तरह से रखेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से तो फ्रेंड मैंने ये कवर पे ये इलास्टिक लगा दिया है तो फ्रेंड इसके साथ ही फ्रेंड बहुत ही सुंदर बेबी पैंट बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद